नमस्कार सर, यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चौपाल में रायपुर में प्रधान ने खुद कराया शिकायत दर्ज, कोलाही में एक भी शिकायत नहीं। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त ब्लॉक मुख्यालय अंतर्गत हर शुक्रवार को दो गांव में गांव की समस्या का गांव में ही समाधान के लिए ग्राम चौपाल का आयोजन करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। 10 फरवरी 2023 को ग्राम पंचायत रायपुर और कोलाही में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। रायपुर में ग्राम प्रधान ने स्वयं कहा कि किसी भी ग्रामीण को कोई भी समस्या हो तो शिकायत दर्ज करा दे। वहीं कोलाही में एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुआ। ग्राम चौपाल में अधिकतर आवास, राशन कार्ड, नाली, रोड की समस्या ज्यादा आई। प्राप्त सभी शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए समाधान करने का निर्देश दिया गया। दोनों गांव में लगे चौपाल की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी छानबे हरिओम गुप्ता ने किया। सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण प्रेम कुमार ने सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया। खंड विकास अधिकारी हरिओम गुप्ता, खंड शिक्षा अधिकारी राजेश श्रीवास्तव, सहायक विकास पंचायत प्रभा शंकर पटेल, सहायक विकास अधिकारी कृषि, सहायक विकास अधिकारी ISP, सहायक विकास अधिकारी विंध्यवासिनी पाठक, सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण ग्राम प्रधान रायपुर संतोष तिवारी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार यादव, सांसद प्रतिनिधि इंद्रेश बहादुर सिंह, सचिव हरिश्चंद्र बिंद, आंगनवाड़ी आशा राजस्व विभाग, खाद्य व रसद विभाग और सभी विभाग के अधिकारी सहित पूर्व प्रधान सूरमणि यादव अधिक मात्रा में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ग्राम विकास अधिकारी राकेश तिवारी ने किया। सत्यात्रा न्यूज से आज तो सर्वागी खास खबर, धन्यवाद। चौपाल में लगाए जाने से सबसे पहले तो गांव की जनता में एक जागरूकता पैदा हो रही कि तमाम लोग अभी नहीं समझ पाए हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हमें क्या मिलना चाहिए क्या नहीं। चौपाल के माध्यम से विस्तृत प्रचार प्रसार हो रहा है और लोगों को अपनी समस्याओं के प्रति एक जो है उत्साह बना हुआ है कि हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सकता है। उसी कड़ी में आज चौपाल लगाया गया। चौपाल में एक समस्या इस गांव की सबसे ज़्यादा है और समस्या गिनाने के पहले सर्वप्रथम मैं अपने विकास खंड 96 विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन पर हम गांव की जनता की ओर से, अपनी ओर से और प्रधान संघ की ओर से उनको श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं कि मृतक आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान। प्रधान जी, हमने चौपाल में ग्रामीणों को तो शिकायत करते देखा है, लेकिन यहाँ पहली बार हमने देखा कि ग्राम प्रधान खुद जो है शिकायत नोट करवा रहे हैं, क्या मामला है? चौपाल का मतलब यही होता है कि अगर प्रधान ने कुछ गलत काम किया है तो उसके विरुद्ध जनता को बताना चाहिए कि हमारा प्रधान यह गलत काम किया और अच्छा काम किया है तो उसके लिए भी उसे बताना चाहिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के दो मजरू सरोई तिवारी, सरोई बाबू, PWD द्वारा 12-13 वर्ष पहले से रोड बनाई गई है, उसमें आज तक मरम्मत नहीं किया गया है और पूरे गांव का रोड आवागमन योग्य नहीं। यह शिकायत मैंने इसलिए कराया कि ग्राम सभा उस पर धन खर्च नहीं कर सकता, PWD का रोड है तो ये इसलिए यह चौपाल के माध्यम से एक लिखित BDO खंड विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से उस विभाग में जाए जिससे कि जो है समस्या का समाधान हो सके। मैं विनोद यादव, प्रधान प्रतिनिधि कोलाही। आज हमारे यहाँ ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था जिसमें ब्लॉक के हमारे सभी कर्मचारी उपस्थित हुए और गांव की समस्या गांव में समाधान सरकार की जैसी मंशा है उसके अनुरूप आयोजन किया गया। किस तरीके की समस्याएं यहाँ पर ज़्यादा निकल गई? मेरे गाँव में मुख्य रूप से कोई समस्याएँ नहीं आई हैं, शायद एक समस्या केवल आई है वो पानी निकासी को लेकर, और पूरे गांव में कोई समस्या नहीं आई है। सभी कार्य पूर्ण हैं और लोगों से कहा भी गया कि जिनको जो समस्याएं हों वो शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया था, वहां पे हमारी पंचायत सहायक बैठाई गई थी, परंतु कोई शिकायत आया नहीं ग्राम पंचायत। गांव में विजिट की कर रही थी, ऐसे में निकल गया कि काफी जगहों पर या कहें कि पूरे गांव में कहीं पर भी इंटरलॉकिंग की व्यवस्था नहीं थी। देखिए,
पिछले बार मैं स्वयं प्रधान था, इस बार हमारी पत्नी सरिता यादव प्रधान है। मैं जब प्रधान हुआ 2015 में तो इस ग्राम पंचायत में भारत के आज़ादी के बाद एक भी इंटरलॉकिंग खरंजा या अन्य खरंजा किसी तरह के रोड नहीं बने थे, ना तो आंगनवाड़ी केंद्र थे, विद्यालय में वो व्यवस्था नहीं थी, ना तो बाउंड्री वॉल थे। लेकिन पिछले 5 वर्ष से लेके अब तक सतत विकास के पथ पर कार्य करते हुए हमारे साथ बहुत ही हमारा सहयोग मिला हमारे ग्राम विकास अधिकारी श्री हरिश्चंद्र बिंद जी का, जिनके साथ हम लोगों ने मिलकर इस ग्राम पंचायत की कोई ऐसी बस्ती नहीं है जो कि मूल रोड से, जो हमारी भारतगंज विजयपुर संपर्क मार्ग है, ऐसा कोई बस्ती नहीं है जिसकी कनेक्टिविटी रोड से जुड़ा नहीं है। और पानी निकासी से लेके चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, पंचायत भवन हो और अन्य जो ग्राम पंचायत में आधुनिक सुविधाएं हैं, उसे ग्राम पंचायत पूर्णतया लाए। ग्राम प्रधान के तौर पर आप काफ़ी संघर्षरत रहते हैं अपने गाँव के लिए, अन्य गांव के जो प्रधान हैं जो भी नए हुए हैं, क्योंकि आपको काफी अनुभव रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं अपने सभी प्रधानों को संघ के तरफ से भी, मैं पिछले बार भी प्रधान संघ का अध्यक्ष था और इस बार भी उपाध्यक्ष के पद पर है हमारी पत्नी, मैं अपने प्रधानों को सदैव यही कहता हूँ कि अपने गाँव के विकास के लिए आप सदैव संघर्ष करते रहिए, नियमानुसार संघर्ष करिए, क्योंकि सरकार ने हमारे संसाधन को सीमित किया है। हमारे जो विकास कार्य हैं वो संसाधन, सीमित संसाधनों में ही हमको अपने कार्यों को पूर्ण करना है। तो सभी अपने सम्मानित प्रधानों के लिए, इस ब्लॉक के जितने भी